तो पहला अगर ऑप्शन पढ़ो तो ऑप्शन वन कह रहा है ए इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन ऑप्शन टू बी इज द थर्ड लाइन ऑफ बामर ऑप्शन थ्री सी इज द सेकंड लाइन ऑफ पास्टन एंड ऑप्शन फोर ऑल द एब आर करेक्ट ठीक तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो तो हमें लाइमन की सीरीज के बारे में बात करनी थी लाइमन की सीरीज लिमिट क्या होगी बामर की थर्ड लाइन क्या होगी एंड पाशन की सेकंड लाइन क्या होगी इट मीनस आपको तीन चीजें अगर पता होती कि लाइन कैसे गिनते हैं किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन क्या होती है और सीरीज लिमिट क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे पाते तो यहाँ से पहले देखेंगे हमारा एनिक्वस्टू वन क्या होता है लाइमन क्स टू वन यानी क्या होता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या फिर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है इसको हम कहते हैं लाइमन ठीक टू हमारा क्या होता है यहाँ पे बामर सीरीज स्टार्ट होती है थ्री में हमारा क्या स्टार्ट होता है यानी टू थ्री में हमारा स्टार्ट होता है पाश्चन तो यानी टू थ्री में क्या स्टार्ट होता है पाश्चन क्योंकि हमें सिर्फ पाश्चन तक ही क्वेश्चन में बात करना था तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे यहीं पर हम रुक जाएंगे ठीक यानी टू फोर क्या होता है हमारे पास लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फोन इस तरह से हमारे पास सीरीज आती रहती है अब हमें तीन सीरीज के बारे में बात करनी थी तो अगर हमें पता है कोई भी हमारा हाइड्रोजन एटम अगर हायर स्टेट से यानी इक्वल टू वन पे आएगा तो कौन सी सीरीज कहलाएगी वो हमारा लाइमन सीरीज कहलाएगी ठीक अगर हम कहते हैं कोई भी हाइड्रोजन एटम इक्वल टू टू सेन इक्व टू वन पे आ रहा है तो कौन सी सीरीज मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ मिलेगी वो आपको सीरीज जो होगी वो लाइमन सीरीज कहलाएगी और जो वेवलेंथ होगा वो हमारा लाइमन सीरीज का वेवलेंथ होगा यानी इक्वल टू थ्री सेक्वल टू वन पे आएगा तो वी क्या होगा हमारे पास लाइमन सीरीज यानी इक्वस टू फोर सेक्वस टू वन पे आएगा तो भी कौन सी सीरीज होगी लाइमन सीरीज इट मीनस रिजल्ट क्या निकला अगर कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम हाइयर स्टेट से यानी इक्वस टू वन पे आएगा तो कौन सी सीरीज होगी वो हमारा लाइमन सीरीज कहलाएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेव मिलेगी वो हमारा लाइमन सीरीज की वेब कहलाएगी क्लियर हो गया क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर जाता है तो क्या करता है हमारा फोटोस को अमिट करता है और जिससे हमें वेब मिलती है तो अगर कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम हाइर स्टेट से यानी इक्वल्स टू वन पे आएगा तो कौन सी सीरीज होगी वो हमारा लाइमन सीरीज कहलाएगी इसी तरह से अगर हम बात करते, बामर सीरीज की तो बामर कहां पे स्टार्ट होता है पे इट मींस कि हमारे पास होता है ऑर्बिट होता है जिसको प्रिंसिपल नंबर भी बोलते हैं ठीक क्वांटम नंबर तो ये आ गया हमारे पास अगर कोई भी हमने क्या कहा अगर कोई हमारे पास हाइड्रोजन एटम हायर स्टेट सेवल्स टू टू पे आएगा तो हमारा सॉरी हाँ हायर स्टेट से पे आएगा तो किसकी सीरीज मिलेगी आपको बामर लाइन की सीरीज मिलेगी ठीक तो यहाँ से आगे हमारे पास ये बामर सीरीज होगा अब कोई भी हायर ऑर्बिट्स हो सकता है कोई जरूरी नहीं थ्री से ही आए यानी टू फोर से भी आ सकता था यानी टू फाइव से भी आ सकता था और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास बी लाइन है यानी इक्वल टू फाइव सेक्ल टू टू पे आ रही है इट मीनस कि ये क्या होगा हमारे पास बामर सीरीज की वेवलेंथ यहाँ पे मिलेगी

जस्ट उसके अगले क्वांटम से अगले ऑर्बिट से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू वन पे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन होगी क्लियर हो गया लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन होगी आप देख पा रहे बामर पे स्टार्ट होता है और line, की क्या होगा जब हमारा हाइड्रोजन एटमी से आएगा तो हमारा बामर की फर्स्ट लाइन हो जाएगी कोई हमसे कहता बामर की सेकंड लाइन बताइए तो फर्स्ट लाइन क्या थी टू थ्री से तो बामर की अगर सेकंड लाइन देखोगे क्स टू फोर से एन इक्व टू टू पे अगर कोई हाइड्रोजन एटम आएगा तो वो हमारा बामर की सेकंड लाइन हो जाएगी बामर की थर्ड लाइन क्या होगी से पे अगर कोई लाइन सॉरी हाइड्रोजन एटम आ रहा होगा तो उसके लाइन मिलेगी वो हमारा क्या होगा बामर की थर्ड लाइन कहलाएगी तो लाइन गिन लो किसी भी सीरीज की क्या होगी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन क्या होता है अगर हम तो इट मीन जो हाइड्रोजन एटम होगा तो उसके आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा जो लाइन मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा बामर की ठीक अगर हम बात करते हैं पाशन की कोई हमसे पूछता पाशन की फर्स्ट लाइन बताइए तो पाशन कहां पे स्टार्ट होता है एन इक्वस टू थ्री पे तो पाशन की फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा जस्ट हमारा हाइड्रोजन एटम टू फोर से एन इक्वस टू थ्री पे आएगा जस्ट उसके अगले एक हाईयर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हमारा या हाइड्रोजन एटम आएगा ठीक किसी भी सीरीज की बात करो अगर पाशन की बात करोगे फर्स्ट लाइन की इट मीनस के हमारा हाइड्रोजन एटम एन इक्वस टू फोर से एन इक्वस टू थ्री पे आएगा तो पाशन की फर्स्ट लाइन होगी अगर एनिक्वस टू फाइव से एन इक्व टू थ्री पे आएगा तो पाशन की सेकेंड लाइन होगी क्लियर हो गया तो आपको हमें लग रहा है कि लाइन अब निकालना क्लियर हो गया कि फर्स्ट लाइन क्या होगा सेकंड लाइन क्या होगा अब हम बात करते हैं किसी भी सीरीज की सीरीज लिमिट की तो हमेशा याद रखिए सीरीज क्या होता है सीरीज लिमिट क्या होती है अगर हमें पता है कि स्पेक्ट्रम तो होगा हो ही होगा क्योंकि हमारा हाइड्रोजन एटम हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे जाएगा ही जाएगा अगर कोई हाइड्रोजन एटम इंफिनिटी से इन्फिनिटी से किसी भी सीरीज की पहली लाइन पे जाता है इट मीनस अगर लाइमन कहां पे स्टार्ट होता है स्टार्टिंग लाइन क्या है लाइमन की एन इक्वल्स टू तो अगर कोई भी हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजेटम इन्फिनिटी इक्वल्स टू वन पे जाएगा तो उस सीरीज की पे कौन सी सीरीज होती है लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट कहलाती है क्लियर हो गया अगर आप बामर की सीरीज लिमिट देखोगे तो इट मीन्स हमारा जो हाइड्रोजन एटम होगा इन्फिनिटी से एन इक्वल टू टू पर जा रहा होगा तो वो हमारा बामर की सीरीज लिमिट कहलाएगी अगर एन इक्वल टू थ्री से सॉरी अगर कोई हमारा जो हाइड्रोजन एटम है एन इक्वल टू इन्फिनिटी से एन इक्वल टू जाएगा तो हमारा वो पाश्चन की सीरीज लिमिट कहलाएगी क्लियर हो गया तो आप इस डायग्राम से देख के आप सारे ऑप्शन के आंसर अपना दे सकते थे ऑप्शन वन क्या कह रहा है अगर देखो तो ऑप्शन वन कह रहा है ए इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन तो हमने क्या कहा लाइमन की सीरीज लिमिट क्या होगी जब हमारा हाइड्रोजन एटम इन्फिनिटी से एन इक्वल्स टू वन पे आएगा क्योंकि लाइमन हमारा कहाँ पे स्टार्ट होता है एन इक्वल्स टू वन पे तो हाइयर स्टेट से अगर कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम एन इक्वल्स टू वन पे आएगा तो हमारा क्या मिलेगा वो सीरीज लिमिट सॉरी सीरीज

अब हम पहला तो हमें मिल गया अब हम बी की बात करते हैं अगर देखो ऑप्शन टू कह रहा है कि बी इज द थर्ड लाइन ऑफ बामर तो आपने लाइन गिनना सीख लिया है Bymer की फर्स्ट लाइन क्या होगी जब हमारा हाइड्रोजन टू थ्री सेवल पे फर्स्ट लाइन हो गई फर्स्ट हो गया 2, से अगर पे आएगा, तो बामर की थर्ड लाइन हो गई तो अब आप देखिए जो हमारे पास बी स्पेक्ट्रम था कहाँ से आ रहा था यानी टू पे जा रहा था इट मीनस ये बामर की थर्ड लाइन होगी कौन सी लाइन होगी थर्ड लाइन होगी किसकी बामर की ठीक तो ऑप्शन बी भी तो बिल्कुल सही था ऑप्शन टू बिल्कुल सही था अगर हम बात करते हैं ऑप्शन थ्री की सी इज द सेकंड लाइन ऑफ तो हमने लाइन गिनना पहले ही सिखा दिया सेकंड लाइन ऑफ पाश्चन तो पाशन की फर्स्ट लाइन क्या होगी पाशन की बात करो तो तुरंत आपको कहां पहुंचना है पे अब अगर एन इक्वल टू फोर से कोई हाइड्रोजन एटम एनिक्वल टू थ्री पे आएगा तो पाशन की फर्स्ट लाइन होगी से थ्री पे जाएगा तो पाशन की वो सेकंड लाइन होगी क्लियर हो गया तो अब आप देखिए जो हमारे पास सी था वो से आ रहा है N equals to 5 से N equals to 3 पे जा रहा है It means वो सीरीज होगी और की हमारी हो हो क्लियर हो गया। तो यहां से इस तो क्वेश्चन का? का राइट आंसर हो जाएगा थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई, आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर